वालेकुम, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माई व्लॉग चैनल। जनाब, कुछ दिनों से मैं वीडियोस बना रही थी, मतलब जिनमें मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, गोलगप्पे खा रही हूँ या चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह खा रही हूँ, तो बहुत से लोग इन वीडियोस को लेके कंफ्यूज हो रहे कि ये क्या है। मतलब बहुत से मुझे ऐसे कॉमेंट्स आते कि ये क्या है और मतलब इन वीडियोज का क्या मतलब है। कुछ लोग जो है उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद मैं दिखा रही हूँ कि ये आइसक्रीम है और ये मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, मैं मतलब शो ऑफ करवा रही हूँ कि ये मैं गोलगप्पे खा रही हूँ और मैं मतलब इस तरह की चीजें खा सकती हूँ, तो ये कुछ शो ऑफ टाइप की चीज है। मुझे एक कमेंट भी आया है कि जरूरी है कि आपने जो भी खाना होता है वो आप अपना कैमरा ऑन करके ही आप खाएंगी या आप हर वक्त खाती ही रहती हैं, तो यार एक मिनट की वीडियो में मैं कितना खा लेती हूँ खुद सोचो। और फिर मुझे ये कहा कि आपको और कोई काम नहीं है, आप हर वक्त खाती रहती। भाई मैं हर वक्त खाती नहीं रहती, मैं और भी बहुत कुछ करती हूँ, मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं गया। ये जो एक मिनट की वीडियो है इसके बारे में इतने सवाल, ये कोई दिखावा नहीं है। जैसे हम किसी भी होटल में जाते हैं वहां पे खाना वगैरह खाते हैं या हम कुछ भी कहीं पर भी जाते हैं तो हम फटाफट स्टेटस जो है वो अपना अपडेट करते हैं कि हम अब गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं, अब हम पिज्जा खा रहे हैं, अब हम इस होटल में आए हुए हैं, अब हम ये करें, अब वो करें। ये कुछ वैसा शो ऑफ नहीं था, ये एक्चुअल में वीडियोस हैं, ये ASMR ईटिंग साउंड्स वाली वीडियोस होती हैं। बट बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं कोई बड़ी वाली वीडियो बना डालूं तो मैं पहले आप लोगों को बता ही दूं कि ये क्या होता है। मजाक की बात थी, जाहिर है लोगों को नहीं पता तो वो इस किस्म के क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये क्या है, ये किस तरह की वीडियोस है। अपनी जो बहन है मेरी, अपनी सगी बहन ने मुझे कहा कि आइसक्रीम खानी तो सबनों ही आंदी है, मतलब तुम क्या सिखा रही हो, आइसक्रीम खानी तो बच्चे बच्चे को आती है। तो यार यहाँ पे मैं आपको एक बात जो है ना वो सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि आज तक मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई, मैं अपने मेन चैनल्स पे जितनी भी होम रेमेडीज, जितने भी ब्यूटी टिप्स वगैरह शेयर करती हूँ, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं खुद सीखती हूँ, उसको एक्सपीरियंस करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ मैं अपना तजर्बा शेयर करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों को कोई भी चीज सिखा रही हूँ, खैर ये एक अलग बात थी। तो जनाब ये है ASMR ईटिंग साउंड होता है, जिसमें मतलब YouTube पे ना इन चैनल्स, ये बकायदा चैनल्स हैं ASMR के नाम से चैनल्स हैं और YouTube भरा पड़ा इन चैनल से। लोग इतना पसंद करते हैं इन वीडियोस को, बकायदा वो क्या होता है कि इतना इतना खाना सामने पड़ा होता है या इतनी इतनी आइसक्रीम सामने पड़ी होती है और वो खा रहे होते हैं और बोलते कुछ नहीं है, ठीक है। बकायदा एक सेटअप होता है, पीछे इतनी बड़ी ब्लैक कलर की LED लगी होती है, ऊपर जो है एक हाई लेवल का माइक लगा होता है जिसमें आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी च्यू करते हो, बाइट करते हो, तो उसका जो साउंड है वो साउंड आता है, ठीक है। तो वो साउंड जो है वो हमें अट्रैक्ट करता है। जब हम किसी को खाते हुए देख रहे होते हैं, वो ऐसी वीडियोज होती है वो सिर्फ अपना जो है ना सिर्फ ये हाफ फेस ही दिखाते हैं, सिर्फ माउथ ही दिखा रहे होते हैं, खाते हुए दिखा रहे होते हैं। मैं और अली शेर मीसम अली हम बैठ के देखते हैं जी जिमी ASMR को, जो कि बहुत सारी आइसक्रीम्स वगैरह जो है वो बैठ के खा रहा होता है। मेरे ख्याल में वो लड़का है, लेकिन अली शेर और मीसम को लगता है कि वो लड़की है। मीसम कहता है कि मम्मा इसने लिपस्टिक लगाई हुई है, लिपस्टिक पहनी हुई है, तो ये लड़की है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये ना लड़का है। खैर जिमी जो है ना वो सॉसेज खाता है, ठीक है। सॉसेज के लिए वो अलग से क्या होता है कि सॉस, वो कौन से चिली सॉसेज है और चीज वाले सॉसेज वो होते हैं, उनको लगा लगा के। और वो जो सॉसेज है ना वो इतने बड़े बड़े सॉसेज होते हैं, उनको वो मतलब हाथ में भी नहीं आते, उनको पकड़ के वो जिस तरीके से खा रहा होता है ना, और यकीन करें मुझे पता है कि वो जो सॉसेज है ना वो कच्चे होंगे, वो डीप फ्राई भी नहीं किए हुए, बस उनको एवं ऊपर ऊपर से फ्राई करके वो खा लेते हैं। पर वो जो खाने का तरीका है, वो जो चीज होती है ना, वो जो तरीका होता है ना, उसको देख के हमारा दिल चाह रहा होता है। मेरा तो लिटरली, मेरा अलीशेर का हमारा दिल चाहता है कि ये जो सॉसेज है या जो भी बला है ना, इसको हम भी खाएं, हम इसको जरूर खाएं। और जब हम कोई आइसक्रीम वाली वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर वो मैग्नम खा रहे हैं या जो भी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, तो एक दफा तो ऐसा हुआ था कि हम इतना मतलब हमें इतना हमारा दिल चाह, मैंने अलीशेर को पैसे दिए, मैंने कहा फौरन जाओ कॉर्नेटो लेके आओ, हम भी खाएंगे। और पीछे जो है ना वो शोर बहुत हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, हमारे घर के सामने घर बन रहा है, अल्लाह के फजल से, अल्लाह करे कि ये जल्दी से बन जाए तो इसका जो शोर है ना वो नहीं खत्म होगा। जो ईटिंग साउंड्स वाली वीडियोस होती है ना, इनका मतलब या मकसद ये होता है कि जब ये लोग खा रहे होते हैं तो इनका जो क्रंची या क्रिस्पी साउंड होता है ना, उससे हमें सेटिस्फेक्शन होती है, हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हम
हमें भूख लगती है, हमारा दिल चाहता है कि हम भी ये चीजें खाएं, और वो घंटों बैठ के 15-20 आइसक्रीम्स खाते हैं, बहुत सी बर्फ से बनी हुई चीजें जो है वो खाते हैं, बहुत से फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं उनको खाते हैं, जब उन्हें बाइट करते हैं तो उनका वो जो साउंड होता है ना वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह के ढेरों चैनल्स, और आपको पता है इन चैनल्स के ऊपर मिलियंस के हिसाब से व्यूज आते हैं, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 26 मिलियंस, पता नहीं कितने कितने मिलियंस जो है ना वो व्यूज आते हैं इन वीडियोस के ऊपर। लोग इतना पसंद करते हैं इन वीडियोस को देखना। ज्यादातर ना जो चाइनीज लोग हैं ना वो ये वीडियोस बनाते हैं। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले जब मुझे एग्जैक्ट इस चीज का पता भी नहीं था तो मेरी अम्मी बहुत शौक से देखती थी, मेरी अम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर बहुत शौक से बैठ के देखती थी। एक बहुत ही हेल्दी फीमेल थी, लेडी थी, तो वो जो थी वो गरम गरम खाना जो है ना, मतलब इतना सारा खाना पड़ा होता था और उसके नीचे जो है वो फ्लेम भी ऑन है और जनाब वो खा रही है, वो इतना इतना बड़ा बड़ा बाइट जो है वो लेना है और उसको खा लेना है, मतलब एक एक बाइट जो है वो भी बिग बाइट वो आप वो खाना है, और वो देख के ना मजा आता था। तो अब जो है इस तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो जनाब मैंने भी एवं शुगर के तौर पर एक वीडियो बनाई थी कोई 2-3 महीने पहले, तो तब तो वो वीडियो नहीं चली, बट अभी जो है ना उनके रिस्पांस काफी अच्छे आने शुरू हो गए। और जिन लोगों को इसके बारे में पता है, तो जब वो मैंने कौन सी गोलगप्पे वाला चैलेंज किया था तो वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई, मुझे उसका रिस्पांस काफी अच्छा मिला, मुझे उसके ऊपर कमेंट्स भी आए कि जनाब आप इस तरह की जो है ना एक फुल वीडियो, जो लॉन्ग वीडियो होती है आप फुल वीडियो जो है वो बनाए। सोचा कि इससे पहले कि मैं कोई 8-10 मिनट की वीडियो बना डालू मैं पहले आप लोगों को बता ही दूं, वरना आप कहेंगे कि सानू वहा वहा के गोलगप्पे खा रही है, सानू वहा वहा के आइसक्रीम खा रही है। मुझे बताएं कि क्या मुझे लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं फिर बनाऊंगी, अगर आप मुझे नहीं कहेंगे मैं फिर भी बनाऊंगी। आई होप कि आपको ये ASMR ईटिंग साउंड मुकबैंग जो है ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हुआ तो तब भी आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएगा। तो जनाब मेरी वीडियो होती है यहाँ पर खत्म, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और ये पीछे शोर को इग्नोर करें।